chapter number 1. So today we will going to start the new chapter, chapter number 2, that is whole number. Chapter number 2 aaj hum padhenge, chapter number 2 whole number. सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज होल नंबर. होल नंबर मैंने आपको जब मैंने नोविंग आर नंबर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स की डेफिनेशंस बताई थी और उनकी पहचान बताई थी कि कौन सा नंबर होल नंबर होगा, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर इंटीजर, ये किस किस टाइप के नंबर होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था. तो एक बार मैं होल नंबर को रिकॉल कर देता हूँ. देखिए होल नंबर क्या होता है. द नंबर which starts from zero. The number which starts from zero and goes up to infinite. The number which starts from zero and goes up to infinite are called whole numbers. Are called whole numbers. It is denoted by, it is denoted by capital W. W से means क्या है, ये whole number और उसको हम zero whole number हो सकता है, one, two, three, और ये आगे तक सब क्या हो सकता है, होल नंबर. दीज आर होल नंबर. तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि होल नंबर होता क्या है. द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट डब्ल्यू. डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. इसमें ये जीरो से लेकर जैसे आप जैसे मैं अगर इसकी नंबर लाइन बनाऊं, देखिए नंबर लाइन को नंबर लाइन ऑफ होल नंबर. अगर मैं होल नंबर की नंबर लाइन बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना दी है, तो बेटा वो जीरो से शुरू होगी. कहाँ से शुरू होगी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और आगे वो ऐसे ही इनफाइनाइट तक चली जाएगी. तो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, जो जीरो है, जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर रहते हैं, जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं. तो सारे पॉजिटिव नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. जितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये क्या है, दीज आर द नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर कह सकता हूँ मैं इनको, पॉजिटिव नंबर कह सकता हूँ. और जीरो के जो लेफ्ट में होंगे वो सारे क्या होंगे, वो नेगेटिव नंबर होंगे. तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं. इसमें आप ये कह सकते हो ऑल द पॉजिटिव नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. या आप ये बोल सकते हो कि ये सब क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर है. नेचुरल और ये क्या है, ये आपकी जीरो. ऑल द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. या मैं इसको अगर मैं इनको नाम दूं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, आप बोलेंगे ऑल द पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. राइट, अब आपको समझ आ गया होगा कि होल नंबर होता क्या है. तो आपको ये प्यारी सी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेनी है और उसके साथ ही अब हम आगे की ओर चलते हैं. जब भी आप मैथ्स का रिवीजन करते हो या होल नंबर आपका भी होल नंबर का रिवीजन करते हो या नॉविंग आर नंबर्स का आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आपको बेटा हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ना है. टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना है. जैसे आपको अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन का रिवीजन करना है तो पहले आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन का वो जैसे आप वन स्टेस हंड्रेड थाउजेंड उनके प्लेस में जो चार्ट होता है वो सभी बच्चों को आना चाहिए. और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन है उसका प्लेस में जो चार्ट क्या होता है वो
मार्क्स कैसे बुक करते हैं, जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन में पहले हम 3 के बाद 2 लगाए थे, उसके बाद 2 के बाद 10 लगा के जाते हैं, ऐसे ही हम इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल बुक सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, 3 के बाद 2 लगाते हैं। तो ये सारा एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम रिविजन कैसे कर रहे हैं। अगर मैं इंडियन सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन का रिविजन करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले मुझे उसका प्लेस वैल्यू चार्ट मुझे याद आना चाहिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 ऐसे मुझे आना चाहिए। फिर मुझे उसको कोमा बुक करना आना चाहिए, क्योंकि कोमा हम इंडियन सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे कोमा लगाते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे हम रिविजन करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करा है चैप्टर नंबर 2, और उसके बाद में चैप्टर का नेम था होल नंबर, और उसका मीनिंग हमने अच्छे से जान लिया है कि होल नंबर होते क्या। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.1। जैसे ये 2.1 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, राइट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, राइट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9। आपको इसके बाद भी नंबर है 10,999। ये नंबर कितना लिखा हुआ है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,999 के आपको नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो इसके नेक्स्ट में 3 नंबर आप लिखोगे तो आप क्या करेंगे, तो आपने 1,099,999 में 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने पर इससे नेक्स्ट आ जाएगा, जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करोगे तो 0,0,0,1 ये आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। आपको ऐसे नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट 3 है, यहाँ पे नेक्स्ट 3 आप लिखना है। तो पहला वाला तो मैं लिख चुका, अब उस अब इसके नेक्स्ट क्या जाएगा, मैं 11,000 में प्लस 1 करूँगा तो कितना जाएगा 11,000 का। फिर मुझे इसके नेक्स्ट लिखना है 11,001 के बाद क्या आएगा, तो फिर आ जाएगा 11,002। तो ये 10,999 के बाद के 3 नंबर है, कौन से नंबर, 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर आफ्टर द 10,999। इसको हम सक्सेसर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर अगर मुझे किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना होता है तो मैं उस नंबर से नेक्स्ट नंबर उसका सक्सेसर होता है। देखिए जैसे मुझसे कोई पूछता है कि 5 का सक्सेसर बताइए, तो आप उसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब किसी ने मुझसे पूछा कि 10 का सक्सेसर बताइए, तो 10 से नेक्स्ट वाला नंबर बताइए, तो 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। अगर मुझसे कोई पूछता है कि 99 का सक्सेसर होता है, तो मैं उसमें तुरंत 1 ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 100। अगर आपको सक्सेसर फाइंड करना होता है तो आप 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना होता है तो आप उनमें से 1 को माइनस कर देते हैं। किसी नंबर से जस्ट आगे वाला नंबर आप सक्सेसर बोलेंगे, और जस्ट पीछे वाला नंबर जो होगा उसको आप प्रेडिसेसर बोलेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द 3 होल नंबर, राइट द 3 होल नंबर, राइट द 3 होल नंबर अगेरी जस्ट बिफोर, अगेरी जस्ट बिफोर वन स्टैंड 100,000 10,000। जो 10,000 थे, 10 इतना 10,000 वाला लिखा हुआ है, हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1 10 100
थाउजेंड और 10,000। ये 10,000 वन लिखा हुआ है। आपको क्या इससे पहले वाले तीन नंबर फाइंड करने हैं। इससे पहले का मतलब क्या होगा, आप एक एक माइनस करते जाओगे। जैसे मैं इसके आगे वाला फाइंड कर रहा था तो मैंने 1,1 प्लस कर दिया था, और अब मैं इससे पहले वाले फाइंड कर रहा हूँ तो मैं 1,1 माइनस करूँगा। इंग्लिश में हर एक नंबर का प्रेडेसेसर फाइंड करूँगा। जब आप 1 प्लस करते हैं तो उसको सक्सेसर, 1 माइनस करते हैं तो प्रेडेसेसर। तो इसमें आपको इससे पहले तीन नंबर फाइंड करने हैं। तो आपने इसमें से 1 माइनस करा, फिर इसके बाद पहले का जो जस्ट नंबर होगा वो ये रहा होगा 10,000। अब इससे पहले वाला नंबर क्या रहा होगा, तो इससे पहले वाला नंबर जो होगा वो इससे भी कम होगा, तो वो क्या होगा 9,999। वो ये रहा होगा, रहा होगा नहीं रहा होगा, जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 9,999। अब आप इससे भी पहले वाला नंबर निकालिए, तो आप इसमें से भी एक माइनस कर देंगे 9,999 और 8। तो ऐसे आपको 3 नंबर निकालने थे। ये आपका पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, और ये तीसरा नंबर हुआ। आई होप कि सभी स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो मुझे तो ये पता है कि जो होल नंबर होता है उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और वो 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे इनफाइनाइट तक कितना भी बड़े नंबर तक वो जा सकता है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हुआ, 0, यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पर 0 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। बाद
जो आंसर आता है उसमें से वन और माइनस कर देंगे। जैसे जैसे ये यहाँ पर 53 है और 32 है, मुझे देखना है 53 और 32 के बीच में कितने फोन नंबर है, तो पहले मैं 53 में से 32 को माइनस कर लूँगा, वो 20 वाला है, और उस 20 नंबर से भी वन को 4 माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने फोन नंबर आएंगे। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ नंबर ए पार्ट है 244 0701, बी पार्ट इज 100 199, सी पार्ट इज 109999, तो बी पार्ट है 234567। ये जो चार नंबर हैं, यू हैव टू फाइंड इट्स सक्सेसर। तो सक्सेसर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको इसका सक्सेसर फाइंड करना है तो आप 244071 जो ये आपका नंबर आप उसके वन प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? तो जब वन प्लस करके जो आंसर आएगा वही आपका इसका सक्सेसर होगा, तो वो हो जाएगा 244072 हो जाएगा। जब आप उनमें वन को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें भी प्लस वन कर देंगे 100199, इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है तो आप इसमें प्लस वन करेंगे। जब आप इसमें प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 100200, कितना हो जाएगा 100200। अब आपको इसका भी सक्सेसर फाइंड करना है तो आप इसमें भी प्लस वन कर देंगे। जैसे आप इसमें प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 0 में वन एड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 1। तो यहाँ सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, फर्स्ट 5th हम कंप्लीट कर चुके हैं और इन पांचों क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है, फाइंड द प्रेडेसेसर ऑफ, फाइंड ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो को जब भी आप देखते हैं साथ साथ ही क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे, पेयर नोटबुक में ये सारा वर्क आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आप उसमें से वन वन माइनस करते चलेंगे।
आप उसमें वन माइनस कर देंगे 208090 इसमें से वन माइनस 7654321 इसमें से भी क्या माइनस कर दो वन वन माइनस करते चलेंगे तो जब आप 94 में से वन को माइनस करेंगे तो 93 जब आप 10,000 में से टू माइनस करोगे तो 9999 और यहाँ पर आ जाएगा 208089 जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7654321 तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन क्लियर भी हो गए होंगे क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन आर देयर। तो सभी स्टूडेंट्स को जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। योर ऑल ऑफ यू हैव टू राइट ईच क्वेश्चन इन योर पेयर नोट एंड रिवाइज द सिलेबस फॉर टू ग्रेड टेस्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस।